राजभवन के बाहर धरने पर भी बैठे हुए हैं। कैमरामैन इकराम के साथ गौरव शर्मा इरा की मजदूरों को धरना के ऊपर चला, धरना की आग में खेला। अब किसानों की बारी है, पहले लोग निजीकरण किया, एयरपोर्ट का निजीकरण किया, अब ये लोग किसानों का निजीकरण कर रहे हैं। अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए मित्र है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस और 14 तारीख को पूरा प्रदेश सम्मेलन है और 20 लाख लोगों का माननीय राष्ट्रपति को भेजेंगे और छत्तीसगढ़ में हम क्या कांग्रेस देखिए जब जब देश में किसानों का दबाव, मजदूरों का दबाव, आम जनता का दबाव हुए, केंद्र में ऐसे कानून भी वापस लाए, जैसे भूमि अधिग्रहण कानून भी केंद्र में 2014 में मोदी जी की सरकार लाई थी, मगर किसानों के दबाव में वो कानून वापस लिया था। उसी तरह हमें लगता है हम पूरे देश के किसानों अन्नदाताओं के साथ है और हम ये लड़ाई लड़ेंगे जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता। हम किसानों के साथ है और केंद्र की मोदी सरकार को देखिए हम अभी महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे, उनसे संदेश हमको मिल जाएगा तो हम अंदर जाके हम महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। देखिए अभी समय तो मिल गया, अभी समय मिल गया, जैसे संदेश मिल रहा है अभी समय मिल जाएगा और हम जाके ज्ञापन सौंपेंगे। देश में जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है ये जरूर वापस देखिए केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के अन्नदाताओं किसानों में जो काला कानून लाया उसके विरोध में आज हम लोग राजीव भवन से महामहिम राज्यपाल सांसद हम लोग किसानों के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे और ये जो काला कानून है वो मजबूर हमें उम्मीद है केंद्र सरकार अब किसानों का निजीकरण करने जा रहे हैं, किसानों को भी अब उनकी मनमर्जी छोड़ के उनको भी उनके जो व्यापारिक मित्र है वो जिस तरीके से बोलेंगे उस तरीके से किसान काम करेंगे, ऐसा देश में बिल्कुल नहीं होगा और ऐसा काला कानून काले कानून को वापस लेना देश के अन्नदाताओं, देश के मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है, इसलिए देश में 3 काला कानून लाकर उनके उद्योग को माध्यम से और एक काला कानून वापस लेने की हम बात कर रहे हैं। देखिए देश में जब जब विपत्ति आई तो देश में
देखिए 2 अक्टूबर को चरणबद्ध आंदोलन जिला मुख्यालय में होगा, उसके बाद 14 अक्टूबर को प्रदेश स्तर में पूरे किसानों का ब्रेड सम्मेलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा और 20 लाख से अधिक हस्ताक्षर युक्त हम लोग केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ के किसानों के हम सौंपेंगे। तो हमें उम्मीद है केंद्र सरकार एक और कानून वापस ले और युवा जिस तरीके से किसानों के भोजन की व्यवस्था करते हैं, अगर केंद्र की मोदी जी की सरकार उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए यह कानून पारित कर देना है, इसी के विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कानून पारित कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं निश्चित तौर पर मोदी सरकार द्वारा लाए गए कानून पर अभी तो ये कंगनाई है केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोड में किसानों के विरोध कानून इसका इसी के विरोध में हम लोग काम करेंगे। देखे ही उदाहरण है जब जब केंद्र की मोदी जी की सरकार अन्याय की है, चाहे 2014 में भूमि अधिग्रहण कानून हो किसानों के दबाव में वापस किया था। आज देश के अन्नदाताओं किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और उसके विरोध में आज हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे माननीय राष्ट्रपति के नाम। मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल भी यात्रा में शामिल होने वाले थे, आज यहाँ आने वाले, अचानक उनका प्रोग्राम रद्द हो गया, इसकी कुछ वजह? देखिए हो सकता है कुछ कारण हो सकता है, मगर आज सत्ता और संगठन दोनों हमारे मंत्रिमंडल के बहुत से सदस्य महापौर से लेकर सभी आए हैं और सरकार अपने साथ है, संगठन अपने साथ है और छत्तीसगढ़ का अन्नदाता हमारे साथ आज यहाँ
यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी मिलने भी जाएंगे। आगे भी क्या आप लोगों की रणनीति इसके विरोध को लेकर? देखिए आगे की रणनीति जो है छत्तीसगढ़ में पहली बात कॉर्पोरेट जो काला कानून है तो हम बात कर रहे हैं, इसके लिए अलग विधायक बने, अलग विधायक लगातार 200 कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ते आ रही है और आगे भी 2 तारीख को भी यहाँ पर जिला स्तर पर इसका प्रदर्शन है, 14 तारीख को प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन है और 20 तारीख को हम 20 लाख लोगों का हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को हम ज्ञापन सौंपेंगे और उसमें मांग करेंगे कि आप ये जो काला कानून लाया है उसको वापस लो। जमीन उपलब्ध कराने का जो चक्र चल रहा है उसके विरोध में प्रदेश अध्यक्ष के साथ हम सब उपस्थित हमारी जिम्मेदारी थी साथ में, इसमें कोई दो बात नहीं है। कोरोना के समय सभी को आत्म नियंत्रण भी रखना जरूरी है। उसका हम विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वो काला कानून वापस किसानों के साथ अन्याय कर रही है, उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए काले कानून जारी है। विधायक जी बुला रहे छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के लाइव चल रहा है, केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार गैर विधायक यह काला कानून लाया है उसका हम विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि यह कानून वो फसले। चलो कौन कौन लिस्ट कौन कौन जाएंगे तो देख लो पहले कृषि बिल को लेकर लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। टीएस सिंहदेव जी यहाँ पहुंच चुके हैं, उन्होंने जो धरने में बैठे हुए कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल भी बढ़ाया, हमारे साथ मौजूद हैं। ये बार बार बातें आ रही हैं कि इस बिल में कुछ ऐसा नहीं है जिसका विरोध किया जाए, लेकिन आप लोग विरोध में हैं, क्या तर्क है, क्या आप लोग चाहते हैं? आगे का क्या नाम है उसका? दो मिनट दूर जी हाँ। केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो काला कानून लाया है उसके विरोध में आज महामहिम राज्यपाल महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि किसानों के हित में ये काला कानून वापस ले।